मनोज सिंह काका, अभी उसके बाद आ रहा हूं चरणजीत सिंह सप्रा और गुरुप्रकाश। मनोज सिंह काका बड़े खुश लग रहे हैं, बताइए। यूपी में हार गए, कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो उस पर खुश हो रहे हैं। भाई आप तो अपने यूपी में हार गए। मानक, जो आप बात कह रहे हैं यूपी में हारने का जो सवाल है, अगर यूपी के आंकड़ों का आप अध्ययन करेंगे समग्रता से, और मैं आंकड़े आपको भेज दूंगा, तो अगर निर्दलीय और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को देख लिया जाए तो उसके बरक्स जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है उसकी संख्या बिल्कुल कम है। 17 के 17 सिर्फ अगर मेयर का ये चुनाव जीते हैं, नहीं तो नगर पालिका परिषद में और नगर पंचायत में सब में भारतीय जनता पार्टी हारी है। और कर्नाटक के में जो चुनाव आए हैं, जो परिणाम है, आप पूछ रहे हैं कि उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, उससे एक बहुत साफ मायने ये निकाला जा सकता है कि कर्नाटक की जनमानस ने धार्मिक ध्रुवीकरण को नकार दिया। उसने पूछा, उसने जानना चाहा, जो बात अभय सर और विनोद सर कह रहे हैं, उसने जानना चाहा कि जो प्रधानमंत्री इस देश में 9 साल से सत्ताधीश हैं, उन्होंने आकर के कर्नाटक के जनमानस के डबल इंजन की सरकार को एक कार्य अपना नहीं बता पाए। वो सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, हालांकि उससे जनता ने बचा और उसने अपने बुनियादी सवाल, रोटी, कपड़ा, मकान और गैस, जो आम जन के जो जरूरी सवाल है, उस पर वोट करा और कांग्रेस को जीत मिली। इसके लिए कांग्रेस को बहुत बधाई। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, वो उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी 2014 में, आप सब जानते हैं। अब ये जनमानस और पूरे देश की 140 करोड़ जनता ये जानना चाह रही है कि भ्रष्टाचार के निदान के लिए आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आपने देश के 2 व्यक्तियों को सिर्फ धनी पे धनी बना के ऑल राइट। मनोज एक सेकंड, अब रुक जाइए, गुरुप्रकाश जवाब देंगे आपका, उसके बाद सप्रा जी आ रहा हूं। गुरुप्रकाश, क्या आपका जो एक राष्ट्रीय मॉडल है, नेशनल मॉडल चुनाव लड़ने और जीतने का, क्या वो कर्नाटक में जाकर फेल हो गया? क्या आपको कुछ और मुद्दे ज्यादा जोर से उठाने चाहिए थे? क्या गलत मुद्दे उठा दिए? क्या मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के अपने साथी को, और वो डबल इंजन की बात कर रहे थे। आंखों के सामने उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, डबल इंजन के आगे ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है। और लोकतंत्र की नींव होती है नगर पालिका, नगर पंचायत, और उस लोकतंत्र की नींव में यदि 17 नगर पालिकाओं में, वन बाय वन, भैया मनोज जी क्या तरीका होता है भाई? डिबेट में विनम्रता रखिए। हाँ, ट्रिपल इंजन, आप डबल इंजन गाते रहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ग्राम सभा हो, 17 के 17 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। आप कहीं नहीं है, और आप कहते हैं इन चुनाव के मायने नहीं है। लोकतंत्र की नींव इसी के आधार पर होती है। दूसरा, मानक जी आप कह रहे कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मॉडल ऑफ इंडी क्या है? हमारा एक ही मुद्दा है मानक जी, हमारा एक ही मॉडल है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उस पर हम काम कर रहे हैं लगातार। अगर आप आज भी हमारे नेताओं के भाषणों का आकलन करेंगे तो हमने जिन बातों की बात की, एयरपोर्ट की बात की, रेलवे की बात की, एफडीआई की बात की, पर कैपिटा इनकम की बात की, स्टार्टअप हब की बात की, विमर्श में जहर किसने घोला? ये कांग्रेस के लोगों ने घोला। इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और बार बार पीएफआई, एसजीपीआई की बात उन्होंने की तो हम बोलेंगे ना बार बार। मुद्दों से डाइवर्जन करने का टेक्निक कांग्रेस के नेताओं ने सीख लिया है और उन्होंने ये किया है। हमारे मुद्दे, हमारे लड़ने का तरीका, हमारा मॉडल, हमारा मॉडस ऑपरेंडी, हम उसका अध्ययन करेंगे और जहां जो कमियां हुई है उसको दूर करेंगे। ओके, पहले भी ऐसा हुआ ओके, है 2013 में जो कर्नाटक ओके, गुरुप्रकाश एक सेकंड, कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया। हाँ, एक सेकंड, अब